R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उन्हें राहत नहीं मिली है। 15 दिन की सीबीआई कस्टडी के बाद अब स्पेशल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है। हालांकि वहां पर यानी कि तिहाड़ जेल में चिदंबरम के वकील ने दरअसल गुहार ये लगाई थी कि चिदंबरम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, किसी अन्य कैदी के साथ ना रखने की भी मांग की गई। चिदंबरम ने ईडी के सामने पेश होने की अर्जी भी दी है। हालांकि आपको बता दें कि 5 तारीख यानी कि ईडी के मामले में भी सुनवाई हुई, अग्रिम जमानत को लेकर उसको भी रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की और कहा कि जांच प्रभावित हो सकती है, तो ईडी मामले में भी अग्रिम जमानत पर चिदंबरम को राहत नहीं मिली है। हालांकि एक छोटी राहत उन्हें जरूर मिली है, एयरसेल मैक्सिस मामले में स्पेशल कोर्ट ने उनको और उनके बेटे को अग्रिम जमानत जरूर दे दी है। ईडी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अपील, जो अग्रिम जमानत थी उसके विरोध में जो याचिका दाखिल की थी उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो 15 दिन की जो सीबीआई की कस्टडी थी, अब उसके बाद 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहद दिलचस्प ये पूरा मामला होता जा रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि पी चिदंबरम की जो वकीलों की फौज है वो कई दलीलें पेश कर रही है, लेकिन कोई दलील काम नहीं आ रही है। अब अगले 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रहना होगा पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।